मग्न होकर बैठ गए, लेकिन मन को कोई ठिकाना नहीं मिला, चित्त के चिंतन को कोई कोई ठीक दिशा नहीं मिली। द्वंद में है कि लिखूं या नहीं लिखूं। नहीं लिखता, एक एक वाणी है जो अर्थ का अनुसरण करती है, वो कविता है जिसमें शब्दों की जोड़ तोड़ है, और एक वाणी है जो अवतरित होती है जिसमें एक सहज प्रवाह है भाव का, कि जो भी उस भाव के प्रवाह में बहे वो प्रभु के चरणों के निकट पहुंच जाए। कविता पुरानी पड़ती है, भाव नित्य प्रति नया पड़ता है। संतों का जो भाव है अनादिकाल से, इन्हीं वाणियों का आश्रय ले लेकर भक्त लोग अध्यात्म के मार्ग के संशयों का निवारण करते आ रहे। नित्य प्रति एक एक, एक नवीन भाव, नित्य प्रति एक नवीन आनंद है इन संतों की वाणी में। मैं हर रोज गाता हूं, गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया मैं भी नित्य गाता हूं, आप भी नित्य सुनते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ये पंक्तियां पुरानी पड़ती प्रतीत होती? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जितनी बार गाता हूं, जैसे कोई जब समुद्र में गोता लगाता है तो पहली बार में वो तल का स्पर्श नहीं करता, वो कितनी बार अभ्यास करता है मोती खोज के लाने के लिए। ऐसे ही इन भावों में निमज्जन प्रयास है, इन भावों में निहित उस महाभाव का मोती खोज के लाने के लिए। गाया गाया हरि गुण गाया, चार मग्न बैठे, संध्या हो गई, संध्या स्नान का समय हो गया। श्री गंगा जी के स्नान का नित्य नियम था, गंगा स्नान को गए, पीछे से प्रभु ने अपना कार्य कर दिया। श्याम सुंदर आए श्री जयदेव जी का रूप लेकर, पद्मावती जी से कहा कि पोथी ला कर दो। अरे स्वामी आज आप बिना स्नान किए लौट आए? अरे अभी मन में शीघ्र एक भाव आया है, वो लिख दूं, अंकित कर दूं, कहीं विस्मरण ना हो जाए। भाव लिख दिया, पोथी पद्मावती जी को पकड़ा दी और बोले अब स्नान करके आता हूं। पद्मावती जी का नित्य का नियम था कि श्री जयदेव जी को भोजन कराने के बाद ही वो भोजन पाती थी। आज प्रभु पधारे तो प्रभु ने सोचा आया हूं तो क्यों ना इनका आतिथ्य भी स्वीकार कर लूं। दो क्षणों में स्नान करके लौट आए, बोले बड़ी भूख लगी है, लाओ भोजन कराओ। पद्मावती जी ने भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद प्रभु तो भ्रमण को चले गए, पद्मावती जी भोजन पा रही हैं, और इतने में जयदेव जी लौट आए। आकर कुटिया में देखा कि आज तो ये बड़ी विचित्र बात हुई, ये तो कभी मेरे से पहले भोजन नहीं करती,
आज लगता है मुझे ही आने में कोई बहुत अधिक विलंब हो गया, पर मन में दुविधा है कि भाई कोई भी स्थिति हो लेकिन ये तो मुझसे पहले भोजन नहीं करती। बोली, पद्मावती आज इतनी भूख लगी थी कि मुझसे पहले ही भोजन पा लिया। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु आप आए, विचार में तो मैं थी कि आप स्नान करने गए फिर लौट आए, फिर गए फिर लौट आए। जयदेव जी को कुछ बात समझ में नहीं आई। बोले, आपने ही तो पोथी मांगी, कहां है पोथी? पोथी देखा तो जो पंक्ति मन में थी लेकिन अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था। स्मर गरल खंडन मम शिरसि मंदनम देहि मे पद पल्लवम उदारम। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंदनम देहि मे पद पल्लवम उदारम। जो मन में था वो पोथी में लिखा देखा, समझते देर नहीं लगी जयदेव जी को, पद्मावती तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है जो स्वयं प्रभु ने आकर तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारे हाथ से उच्छिष्ट पाया। लपक कर पद्मावती जी जिस थाली में भोजन कर रही थी, लपक कर थाली छीन ली, पद्मावती जी का उच्छिष्ट पाने लगे। पद्मावती कुछ समझ नहीं पा रही कि ये मेरे स्वामी आज कैसी क्रिया करते हैं, विमूर सी खड़ी देख रही है, मेरा उच्छिष्ट पाते हैं। बड़ा संकोच मन में हुआ। श्री जयदेव जी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। और ये गीत गोविंद एक ऐसा काव्य ग्रंथ प्रकट हुआ संसार में कि कोई किसी भी भाव से इसका गान करे पर श्री जगन्नाथ जी अवश्य सुनने के लिए पधारते हैं। एक माली की लड़की इस गीत गोविंद की अष्टपदी की कुछ पंक्तियां गा रही थी, खेत में कार्य कर रही थी और खेत में कार्य करते करते अष्टपदी की कुछ पंक्तियां गा रही थी। धीर समीर यमुना तीर वसत सदा वन माली मधुर गान सुना, जगन्नाथ जी रीझ गए। वो माली की लड़की खेत में जहां जहां फल तोड़ने जाती और गीत गोविंद की पंक्तियां गुनगुनाती, पीछे पीछे जगन्नाथ जी डोलते। वो खेत में कंटका कीन पौधों के बीच में डोलते डोलते श्री जगन्नाथ जी का श्री अंग वस्त्र कुछ फट गया। उस कन्या ने गान पूरा किया, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पहुंचे, संध्या का दर्शन खुला तो राजा ने क्या देखा कि जगन्नाथ जी का वस्त्र फटा। पुजारियों से पूछा, ये सेवा में कैसी असावधानी? पुजारियों को रहस्य समझ में नहीं आया। श्री जगन्नाथ जी का श्री अंगवस्त्र फटा था और एक टुकड़ा उसमें नहीं था। राजा ने सिपाहियों को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि आज प्रभु की क्या लीला हुई, प्रभु के श्री अंग वस्त्र का फटना ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है, कोई शुभ संकेत नहीं है। राजा चिंतित हुआ, जाकर देखा खेत में प्रभु के श्री अंग वस्त्र का एक टुकड़ा कांटों में उलझा। पूछा, माली की कन्या ने कहा कि हां मैं तो गीत गोविंद के अष्टपदी का गान करती थी। श्री जयदेव जी को सब बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि राजन, जहां जहां इन अष्टपदियों का गान होता है वहीं वहीं प्रभु प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और इस गान को सुनते हैं। राजा ने उस माली की कन्या को दरबार में बुलाया, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उस कन्या को कहा कि अब प्रभु के सन्मुख सम्मान से इस अष्टपदी का गान करो। आज भी ये व्यवस्था है। राजा ने उस समय ड्योंडी करा दी कि जो भी इन अष्टपदियों का गान करे, गान करने से पूर्व प्रभु के लिए एक सुंदर आसन निवेदन करे ताकि प्रभु को कष्ट ना हो।
वृंदावन का वो महाश्रृंगार रस श्री जयदेव जी ने प्रकट किया अपनी वाणी के माध्यम से। देखो, उपासना के बहुत सारे मार्ग संसार में प्रकट हैं, अनेक अनेक मत हैं, अनेक अनेक पथ हैं, प्रत्येक की अपनी अपनी एक योग्यता है, अपनी अपनी एक उपयोगिता है, कम या अधिक किसी को कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य है कि वृंदावन का भाव विचित्र भी है, वृंदावन का भाव विलक्षण भी है। संसार कर्म क्षेत्र है, जितने भी तीर्थ हैं वो धर्म क्षेत्र हैं, और वृंदावन वृंदावन प्रेम क्षेत्र है, वहां भाव की वल्लरी फूलती है। और शास्त्र कहता है कर्म निष्फल हो सकता है, ज्ञान भी निष्फल हो सकता है। कर्म तो निष्फल होता ही है, कर्म से तो केवल बंधन अर्जित किया जाता है, वो बंधन भले सोने का हो या वो बंधन सार का हो। तो कर्म तो निष्फल है ही, पर शास्त्र कहता है ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान नहीं टिकता जब मृत्यु की पीड़ा होती है। तभी तुलसी बाबा कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत ना। इसलिए भक्त तो प्रभु से यही कहते कि बोले प्रभु, जीवन तो कैसा भी बीत जाए, आप अंत समय सुध ले लेना। श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो, मेरा सारा निकट हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इस गीत की जितनी भी पंक्तियां हैं मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, इन दो पंक्तियों को छोड़कर। ये दो पंक्तियां अच्छी हैं, ये अभिलाषा सुंदर है। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। जीवन मंगलमय होगा तभी मरण मंगलमय होगा। एक बार श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज आप कहते हैं अंतमति सोगति, इसी से संबंधित प्रश्न भी है किसी का यहां, कि अंत में यदि प्रभु का स्मरण कर लो तो निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति होती है। मैंने तो जीवन भर भजन नहीं किया और मेरी करने की कोई इच्छा अभिलाषा भी नहीं है, परंतु यदि मैं अंत समय भजन कर लूं तो क्या प्रभु मिलेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि अवश्य मिलेंगे, लेकिन एक मेरे प्रश्न का भी उत्तर आप दे दीजिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। जो लोग जन्म भर यत्न करते हैं उनको भी अंत समय प्रभु का स्मरण नहीं होता, तो बिना अभ्यास के बिना यत्न के आपको अंत में प्रभु कैसे स्मरण आ जाएंगे? इसीलिए अभी कुछ देर पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भक्ति की बात अभी एक और रख दीजिए। सबसे पहले अपने जीवन को साधिए। भक्ति तो सत्पात्र में ठहरती है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि भक्ति तो दीनता के सिंहासन पर विराजती है, और ये दैन्य सरलता कहां से आरंभ करते हैं प्रभु? प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने उ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सो चलहीना। कितने लंबे प्रयास के बाद जीव सरल होता है। गोसाई विठल नाथ जी कहते हैं, प्रभु हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र हेतु क्या है? दैन्य। तुलसी बाबा कहते हैं, ए दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। आपकी कृपा का एकमात्र हेतु दैन्य है और मैं उससे नितांत वंचित हूं। और प्रभु मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं जो जो प्रयास करता हूं दीन होने का, जो जो प्रयास होता हूं सरल होने का, मैं उतना ही और कठिन, उतना ही और कठोर, उतना ही और उलझता चला जाता हूं। उपाय आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है, आपकी पुष्टि है। और प्रभु मैं ये भी जानता हूं कि जब आपकी कृपा होती है, जब आपका अनुग्रह होता है, तब आप क्या देते हैं? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। और नारद जी कहते प्राप्तुम त्वत् कृपयैव हि। जब आप कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगमतम ये नमाम उपयान्ति ते, विवेक दे देते हैं प्रभु, सत्संग दे देते हैं। अब अगर आपको कसना है अपने जीवन को कसौटी पे कि मुझ पर प्रभु की कृपा है या नहीं, तो तिजोरी मत खोलिए, तिजोरी मत खोलिए, माला झोली देखिए हाथ में है या नहीं, देखिए भजन में मन लगता है कि नहीं, ढूंढिए खोजिए कि आपकी दैनिक क्रियाकलाप में कहीं सत्संग सेवा और सुमिरन के लिए भी प्रयास है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो सत्संग में भी आकर परचर्चा करते हैं, कथा के प्रांगण में बैठकर संसार की बात करना यह पाप चर्चा है, यह पाप है, महापातक है ये। प्रभु का तो स्वभाव है, सन्मुख होई जीव मोई जमई, जन्म कोटि अग नासई तमई। ऐसा नहीं कि दीपक आज जला है और प्रकाश कभी और जाकर होगा, जो ही दीपक जला तू ही प्रकाश हुआ, जो ही जीव प्रभु के सन्मुख हुआ तू ही और अंतर में आलोक हुआ। लेकिन एक शायर कहता है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और काम इतना भी मुझसे किया ना गया। बोले प्रभु मैं तो जीवन भर अपने समस्त प्रयासों के बाद भी ठीक ठीक से आपके सन्मुख भी नहीं हो पाया। कबीर ने कल गाया ना, चादर ओढ़ भूल मत कीजो, दो दिन तुमको दीनी, मूरख लोग भेद नहीं जानत, मूरख लोग भेद नहीं जानत, दिन दिन वैली कीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, हरि नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे
तो राजा ने व्यवस्था करा दी कि भाई जहां इन अष्टपदियों का गान हो वहां पहले प्रभु के विराजमान होने की व्यवस्था हो। जयदेव जी एक बार भ्रमण करते करते अपने किसी श्रद्धालु के यहां पर पहुंचे, कुछ काल का सत्संग हुआ, चलने लगे तो उस व्यक्ति ने थोड़ा धन देना चाहा। श्री जयदेव जी ने लेने से निषेध कर दिया। उस व्यक्ति ने बड़ा आग्रह किया। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है समाज में साधु के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी उलझन है ये। कल भी मैं कह रहा था ना, लो तो परेशानी, नहीं लो तो उससे भी बड़ी परेशानी। बोले आपको तो हमारे भाव की कीमत ही नहीं है। भाई भाव की कीमत मेरे जैसे साधारण मनुष्य से लगवाना चाहोगे तो आपके भाव का सदा अवमूल्यन ही होगा। एक जगह एक पंक्ति लिखी थी कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। तो किसी संत ने कहा कि बोले ये पंक्ति तो श्री ठाकुर जी के निमित्त होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। मैंने कहा लेकिन साधु के लिए इससे नितांत विपरीत पंक्ति होनी चाहिए कि डोंट ट्राई टू लव मी, जस्ट अंडरस्टैंड मी, दैट्स इनफ। आप केवल मेरे विचार को समझिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संत से, साधु से इससे अधिक का परिचय मत कीजिए। कम से कम आज जो समय, आज जो विषम परिस्थितियां समाज में उत्पन्न है, जो अपना स्थान बना चुकी हैं, जो जड़ पकड़ चुकी हैं, कम से कम इससे अधिक परिचय ना हो आपका। आप सुनिए, बस सुनिए उसे, साधिए स्वयं को। संबंध मत बनाइए, संबंध माने बंधन। पकड़िए किसी को, जकड़िए मत स्वयं को, उलझन में मत डालिए। अब भाव की बात करते हैं तो किस में सामर्थ है जो भाव का उत्तर दे सके? एक प्रभु के अतिरिक्त वही समर्थ है। प्राणी मात्र के प्रेम भाव के लिए एकमात्र प्रेमास्पद श्री कृष्ण है, एकमात्र प्रेमास्पद। साधु का सत्कार करिए, साधु को श्रद्धा निवेदन करिए, साधु को विनम्रता दीजिए, और इस सब के परिणाम स्वरूप निर्मल अंतःकरण और उस निर्मल अंतःकरण में स्फुरित हुआ प्रेम का भाव परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण को ही निवेदन करके कृतार्थ होइए। भटक मत जाइए, मैं फिर कहूंगा भटक मत जाना। हम लोगों के लिए जो भी स्थान पर बैठा है, डोंट लव मी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, दैट्स एनफ। और प्रभु के लिए डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लव, दैट्स एनफ। अरे एक बात सोचिए साहब, मनुष्य आज तक प्रभु के प्रेम का उत्तर नहीं दे पाया। सब दिया प्रभु ने, आवश्यकता और योग्यता से अधिक दिया। एक कृतज्ञता भरा प्रणाम वो मनुष्य प्रभु को निवेदन नहीं कर पाया। आपके प्रेम का मोल कौन लगाएगा यहां? ये भाव प्रभु के लिए ही है, वही ले जाइए। उन्हीं चरणों के निकट जाकर इस भाव को सार्थकता मिलेगी, सफलता मिलेगी। किसी की शरण में आप जाएं तो आपको शरण में लेने वाला समर्थ तो हो, वो आपकी रक्षा करने के योग्य तो हो। जयंत ने जगदम्बा जानकी के वक्षस्थल पर चोंच से प्रहार किया, रुधिर की धार बह निकली, प्रभु ने एक तिनका उठाया, ब्रह्मास्त्र का संधान करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। तीनों लोकों में जयंत डोला, ब्रह्मास्त्र के ताप से तपता, किसी ने शरण नहीं दी। क्यों? क्योंकि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है जो उस ताप से बचा सके जयंत को। शरण लेने के लिए तो गया जयंत, लेकिन किसी ने शरणागति दी नहीं, क्योंकि कोई शरण में समर्थ नहीं था। नारद जी ने कहा कि अरे प्रभु की ही शरण में जा, प्रभु से कहना। बोले प्रभु उस समय मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, आज आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, प्रभु ही शरण देंगे। आपके भी हृदय के
प्रेम के एकमात्र आस्पद, एकमात्र पात्र प्रभु हैं, वही दीजिए। रजनीश के पास एक व्यक्ति आया, शायद 70 वर्ष की उम्र का होगा, बड़ा दुखी, अवसादग्रस्त, पीड़ित, बस आत्महत्या करना चाहता है। पूछा, क्या दुख है? बोले, मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। रजनीश ठहाका मारकर हंसा। बोले, मैं इतनी पीड़ा में हूं, मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं, और तुम कैसे साधु हो, तुम ठहाका मार के हंसते हो? बोले, मैं तो तुम्हारी उस मूर्खता पर हंस रहा हूं, तुम्हें कहा किसने था पत्नी पर विश्वास करने के लिए? ये संसार क्या विश्वास करने योग्य है? ये संसार क्या श्रद्धा और विश्वास देने के योग्य है? ये संसार क्या प्रेम करने योग्य है? क्या है इस दरिद्र जगत में जिससे आप प्रेम करेंगे और आपको आपको कोई कोई समृद्ध उत्तर मिल जाएगा? मेरी बात कड़वी लग सकती है, पर मैंने कल भी कहा था कि मैं जो कार्य यहां करने के लिए आया हूं वो ही करके जाऊंगा। राणा जी रूठे मारो काई कर ले से, मैं तो हरी गुण गा स्यारी माई। साधु का तो काम है साहब, राम नाम रो झाज चिला स्या, निर्भय निशान घुरा स्यारी माई। मीरा दासी सावल गिरी धरणी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी माई। तो बड़ा निषेध किया जयदेव जी ने, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, हम लोग समझते भी यही है, बोले साधु आया है तो चलो कुछ सेवा कर दें, लेकिन हमारी दृष्टि में साधु की सेवा अधिक से अधिक कैसे हो सकती है? थोड़ा सा धन देकर, कोई वस्तु देकर, थोड़ा सा सामान देकर, थोड़ा सा सम्मान देकर, इसी को तो आप सेवा जानते हैं ना। जबकि संत तो कहते हैं, बोले संत की सेवा नाम ते आई है। संत की सबसे बड़ी सेवा यह कि अपने जीवन को भजन में बनाइए। संत की सेवा यह कि संत के हृदय में बसने वाले प्रभु से प्रेम करिए। तो उस व्यक्ति ने बड़ा आग्रह किया और चलते चलते श्री जयदेव जी के उत्तरीय में वो कुछ मोहरे बांध दी। घर की ओर आ रहे थे जयदेव जी, रास्ते में कोई ठग मिले, उन्होंने देखा कि इसके पास में कुछ है। जयदेव जी ने भोले थे बेचारे ने मन में विचार किया कि बोले निश्चित रूप से ये धन के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं, धन दे दूं तो इस बला से मुक्ति मिल जाएगी। जयदेव जी ने कहा कि सुनो भैया, मैं जानता हूं तुम किस लिए मेरे संग संग चल रहे हो, उत्तरीय में से मोहरे निकाली दे दी। उन्होंने संत बुद्धि से कार्य किया, दुष्ट ने दुष्ट बुद्धि से कार्य किया। उसने मन में विचार किया, बोले अभी तो हमको दे दी, बोले जैसे ही नगर आएगा, मोहरे इनकी हैं हमारे पास में, बोले जैसे ही नगर आएगा तो हम पर अभियोग लगाकर और हमको दंडित कराएंगे। तो चार ठग थे, आपस में विचार किया, बोले क्या करें, बोले धन तो आ गया, अब इनके प्राण ले लो और चलो यहां से। दूसरे ने कहा कि भाई हम तो धन के लिए आए थे, धन हमें मिल गया तो अकारण इनके प्राण लेने की क्या आवश्यकता है? तो तीसरे ने कहा कि बोले न छोड़ो न मारो, तो क्या करें? तो चौथे ने कहा कि दोनों हाथ पांव काटकर और एक गड्ढे में डाल दो। दोनों हाथ पैर काटकर सूखा कुआं था, उस कुएं में डाल दिया। पर कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को भव किछ नाही, तेरे सेवक को भव किछ नाही, तेरे सेवक को भव
नाही तेरे सेवक को किछ नाही जमना आवे रे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे जन्म मरण दुख नासा तीन का जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श ना मेट कोई तेरी बख्श ना मेट कोई गुरु का दिलासा मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे अपार दुख असह्य वेदना लेकिन श्री जयदेव जी का मुखमंडल पूर्ण रूपेण प्रसन्न मन से ताली लगाते हैं और मानो रोम रोम कहता है उत्तर देता है संसार को हमको मिला जियावन हारा हमको मिला जियावन हारा हम ना मरे मरी है संसारा हम ना मरे मरी है संसारा हम ना मरे मरी है संसारा हम ना मरे मुख बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं बोले जो बाहर देखेगा वो मरेगा उसका अंत होगा क्योंकि बाहर जो दिखता है जेताई दीसे धरण गगन विच तेताई सब मिट जासी भजमन चरण कमल अविनाशी और जिसके सदगुरु की कृपा से भीतर देखना आ गया साई बुल्ले शाह कहते हैं बुल्लिया कलमा पढ़ना है कुराना पढ़ना है कलमा पढ़ना है कुराना पढ़ना है कदे दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं बुल्लिया आसमानिया उड़दिया फड़दा है जड़ा विच बैठा उनु फड़िया ही नहीं जा जा मक्के हाजी होयो ते पढ़ पढ़ कलमा काजी बुल्ले शाह तू कख ने कीता जे यार ने कीता राजी तो सदगुरु की कृपा से जिसे भीतर देखना आ जाए जिसकी जिसकी स्वयं से पहचान हो जाए स्वयं से परिचय हो जाए जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा हमको मिला जियावन हारा हमको मिला जियावन हारा हम ना मरे मरी है मरे बहिर मुख साधु जीवे मरे बहिर मुख साधु जीवे
भर भर नाम रसायन पीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जिया मन हारा, हमको मिला जिया मन हारा। हम ना मरे मरी है संसारा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब संसार की जड़ वस्तु का चिंतन अत्यधिक हो जाए, चिंतन का अतिरेक हो जाए, तो मनोविज्ञान कहता है कि ये एक प्रकार का एक रोग है। जब आप किसी एक विशेष वस्तु, किसी एक विशेष परिस्थिति का बहुत अधिक चिंतन करते हैं तो आप एक दुराग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। आपके मन की, चित्त की समस्त वृत्तियां फिर उसी ओर प्रवाहित होती हैं। आपको केवल अपना ही आग्रह, केवल अपना ही विचार श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। बहुत बार मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि केवल हमारा मत ठीक है, इदमित्थम भगवान ऐसा ही है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। वो कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो लोग यहां से बैठकर समाज को दिशा देने का एक कार्य कर रहे हैं, मैं ये बात उनके लिए कहना चाहूंगा कि व्यासपीठ को प्रभु की महिमा मंडन का तो अधिकार है, लेकिन व्यासपीठ को किसी के खंडन की आवश्यकता नहीं है। प्रेम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रेम दमन नहीं करता, प्रेम सृजन करता है। और प्रेम की बात को किसी के खंडन की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में पूर्ण है, यह अपने आप में समृद्ध है। उर अंतर को प्रकाशित करने के लिए, तो जब हम बहुत अत्यधिक जड़ वस्तु का चिंतन करते हैं तो एक दुराग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, बिल्कुल ठीक उसी तरह जब हम प्रभु के नाम और रूप का चिंतन करते हैं, जब प्रभु की लीला का चिंतन होता है, जब प्रभु के धाम का चिंतन होता है, प्रभु के भाव से संबंधित किसी भी भाव का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा मन, चित्त, हमारी वृत्तियां भगवनमय होने लगते हैं। वो प्रभु का जो सत्चित्त आनंद है उसकी कणिका स्पर्श करती है हमें, और अंतर में एक विशेष प्रकार का एक आह्लाद, एक उल्लास प्रकट होता है, एक विशेष आनंद जो विशेष भी है और जो उत्कृष्ट भी है, जो उज्ज्वल भी है, जो प्रगाढ़ भी है, जो सघन भी है, जो सुस्थिर भी है। ऐसा आनंद उत्पन्न होता है भगवत चिंतन के परिणाम स्वरूप। नाम जप से, सतत नाम जप से एक विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है, जिसे कबीर कहते हैं, सवे रसायन हम किया पे प्रेम समान न कोए, रंचक तन में संचरे सब तन कंचन होए। इसीलिए कबीर ने गाया, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जिया मन हारा, हमको मिला जिया मन हारा। हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। भजन से अतिरिक्त जो बाधा थी वो भी प्रभु ने कृपा करके दूर कर दी। भक्त का तो चिंतन यही है, जितना जितना संसार का पदार्थ, जितना जितना संसार का संबंध और पदार्थ से संबंध विच्छेद होता जाएगा, उतनी उतनी अंतर्मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। मैंने कल भी कहा था, जितना जीवन में पदार्थ अधिक होगा
as much as you will pursue the material, at the end of the day you will find yourself distracted, disturbed, in a delusion. जितना जीवन में पदार्थ की अधिकता होगी उतना आप बिखरते जाएंगे. बाहर से आप संचय करते चले जाएंगे, भीतर से बिखरते चले जाएंगे. और मुझे लगता है कि संसार के पदार्थ का भी यदि आनंदोपभोग करना हो तो एक स्वस्थ मन चाहिए, एक स्वस्थ चित्त चाहिए. जैसा अभी कुछ देर पूर्व हम कह रहे थे कि बंधन में पड़ा व्यक्ति, कारागार में पड़ा व्यक्ति, उसके लिए क्या छप्पन भोग, उसके लिए क्या सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण. बंधन सुख नहीं लेने देता, बंधन सबसे बड़ा दुख है. पराधीन सम और दुख नहीं, पराधीन सुपने उस सुख नहीं. बंधन में स्वप्न में भी सुख नहीं है. और कल एक साधक का प्रश्न था कि इसकी गति, इसकी तीव्रता कैसे कम हो, कैसे ये बिल्कुल मिट जाए, हट जाए. तो संसार को छोड़ने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, संसार के पदार्थ से दूर भागने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए. प्रभु के निकट जाइए, नाम के निकट जाइए, प्रभु का दर्शन करिए, प्रभु की लीला कथा का श्रवण करिए, जब समय मिले प्रभु के धाम का सेवन करिए. और इस सब के मूल में उद्देश्य शुद्ध रखिए, भाव शुद्ध रखिए. आपकी लालसा बंधन मुक्त होने की और बंधन युक्त होने की नहीं. परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा. और ये मैं कोई आपका मन बहलाने के लिए नहीं कह रहा, मैं कोई पोथी की पढ़ी कही बात भी नहीं कह रहा, मैंने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए आपसे बांट रहा हूं कि परिवर्तन आता है, बड़े थोड़े से प्रयास से आता है. हां, लेकिन एकदम बिल्कुल आरंभ में ही भक्ति का सर्वोपरि शिखर छूने का प्रयास मत करिए. छोटी छोटी बातें, साधारण साधारण सी बातें. एक बड़ी छोटी सी कथा स्मरण आ रही है. एक महिला अपनी एक संगिनी को संग लेकर वृंदावन की गलियों में डोल रही है, एक एक आश्रम में जाती है और कहती है, महाराज ये दो पैसे हैं, आप ये दो पैसे का भंडारा करा सकते हैं. तिरस्कार मिलता है कि अरे दो पैसे में भंडारा होता है क्या, जैसे 5 लाख रुपए में कथा होती है क्या. हम तो भाई सुन सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं. कि क्या दृश्य हम लोगों ने उपस्थित कर दिया. अपने धर्म को किस दशा में लाकर खड़ा कर दिया हमने. शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण न ले. जो जो आपसे याचना करने आया है वो आपको क्या आध्यात्मिक सुख देकर जाएगा. तो बोले, अरे दो पैसे में भंडारा होता है क्या. कहीं एक आश्रम टूटा फूटा,